हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईवीएस का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, ग्रोइंग बिग। इसका मतलब होता है बढ़ते जाना। ग्रोथ इज एन ऑन ग्रोइंग प्रोसेस। ग्रोथ, बढ़ना जो है एक लगातार बढ़ने वाली क्रिया है। ऑल लिविंग बींग्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल टू बिग। सभी सजीव प्राणी ग्रो बढ़ते हैं फ्रॉम स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े होते हैं। जिस प्रकार आप छोटे से बड़े हो जाओगे वही दिया है। ए ह्यूज प्लांट ग्रो फ्रॉम ए लिटिल सीड। ए ह्यूज प्लांट, एक विशाल पौधा, जो बड़ा पौधा, ग्रोथ बढ़ता है फ्रॉम ए लिटिल सीड, एक छोटे से बीज के द्वारा। द सीड इज सोन इन द सॉयल एंड इट ग्रोज इन टू ए सीडलिंग। द सीड इज सोन इन द सॉयल, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सीड बीज को मिट्टी में बोते हैं एंड इट ग्रोज इन टू ए सीडलिंग, और वह उसमें फिर क्या निकलता है, उसमें हम अंकुर निकल आता है। द सीडलिंग सून ग्रोज इन टू ए सैपलिंग। सीडलिंग, तब जो बीज में अंकुरित होता है वो पार्ट धीरे धीरे एक छोटे से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। द सैपलिंग ब्रॉडली ग्रोज इन टू ए बिग एंड स्ट्रॉन्ग ट्री। और वही छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होते होते बड़े से बड़े और स्ट्रॉन्ग, मजबूत पेड़ में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि पहले हम बीज को मिट्टी में डुबोते हैं ना, तो यही देखिए यहाँ फिगर के थ्रू समझाया गया है। पहले हमने बीज को मिट्टी में बो दिया है, उसके बाद देखिए वहाँ धीरे धीरे उसमें अंकुरित निकलना स्टार्ट हो रहा है। फिर सैपलिंग की प्रोसेस, छोटे पौधा बना, फिर उससे उस पर तीन, फिर उस पर स्टेम की प्रोसेस बढ़ी, फिर धीरे धीरे वो प्लांट में कन्वर्ट हुआ, फिर यही प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो ट्री में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग ये प्रोसेस है। सिमिलरली ए लिटिल बार्बी बर्डी कम्स आउट फ्रॉम द एग व्हेन द एग इज हैच। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार ए लिटिल बर्डी, लिटिल बर्डी मतलब छोटा सा चिड़िया का बच्चा, कम्स आउट फ्रॉम द एग, अंडे से बाहर निकलता है व्हेन द एग इज हैच। हैच द, अंडा जो होता है, व्हेन द एग इज हैच, जब चिड़िया जो है अंडे को सेती है। दिस लिटिल बर्डी ग्रोज इन टू ए लिटिल ग्रोज इन टू ए बर्ड विथ टाइम एंड इट्स बॉडी साइज चेंजेस। दिस लिटिल बर्डी, ये छोटी सी चिड़िया होती है, ग्रोज इन टू ए बर्ड, धीरे धीरे एक चिड़िया में कन्वर्ट होती है विथ टाइम, समय के साथ, एंड इट्स बॉडी साइज चेंजेज, और उसके शरीर का आकार भी धीरे धीरे बदलता रहता है। यहाँ देखिए फिगर दिया गया है, ये देखिए एक अंडा है, अंडा है ना, उसमें वो छोटा सा बच्चा, फिर धीरे धीरे अंडा रप्चर हुआ, मतलब फटने की प्रोसेस हुई, फिर वो कन्वर्ट हुआ बर्डी, मतलब चिड़िया के बच्चे में, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया बर्ड में। ठीक है, फिर उससे आगे देखिए, लिटिल बेबीज आल्सो ग्रो इन टू लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज। लिटिल बेबीज, छोटे बच्चे, आल्सो ग्रो, बढ़ते हैं इन टू लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज, छोटे लड़कियाँ या फिर लड़कों में। द लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज ग्रो इन टू टीनेजर, उसके बाद वे किशोरावस्था में पहुँचते हैं, एंड देन इन टू एडल्ट, उसके बाद वो वयस्क मनुष्य, नर एंड या वुमेन, या फिर औरत बन जाते हैं। द एडल्ट मैन एंड वुमेन ग्रो इन टू ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन, और फिर जो ये वयस्क आदमी या फिर औरत होते हैं वो बाद में जो है बढ़ते बड़े होकर के बूढ़े आदमी या फिर बूढ़े औरत में बदल जाते हैं। वी चेंज इन मेनी वेज एज वी ग्रो ओल्डर, वी बिकम बिग एंड टाल एंड स्ट्रॉन्गर। वी चेंज इन मेनी वेज, हम कई तरीकों से बदलते हैं एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते फिर बूढ़े होते जाते हैं। वी बिकम बिग, हम बड़े होते हैं, टॉल लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। यहाँ फिगर देखिए दिया है, एज वी ग्रो अप वी चेंज इन मेनी वेज, एक बच्चे का दिया गया है, एक लड़के का, पहले वो बच्चा होता है, फिर वो छोटे से बच्चे चाइल्ड में होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर देखिए वो एडल्ट स्टेज में, टीनेजर स्टेज है, ये एडल्ट है, और फिर ये ओल्ड स्टेज में आ जाएगा। ठीक है,